रेन एंड मार्टिन इंग्लिश लर्निंग कोर्स में आपको एक नए सेशन में खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। सबसे पहले हमने बात की थी लास्ट लेसन में, सेंटेंस पे हमने बात की थी कि सेंटेंस को डिफाइन किया था। उसके बाद हमने काइंड्स पे बात की थी। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कम्युनिकेट कम्प्लीट सेंस या कम्प्लीट मीनिंग्स, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। मतलब ये होता है कि अल्फाज का ऐसा मजमू जो सही तरीके से आपके मानी कन्वे करता है। उसके बाद हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस पर बात की थी, जिसमें एक असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, दूसरे इंटरगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और तीसरे नंबर पर हमने बात की थी इंपेरेटिव सेंटेंसेस पे, और चौथे नंबर पर थे हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आज हमने बात करनी उसी सेंटेंस को दो हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं, यानी कि हर फिक्रा उसके अंदर दो लाजमी तौर पे हिस्से होते हैं। एक तो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस वी नेम सम पर्सन और थिंग, उसमें क्या काम कर रहे होते हैं। नंबर वन पे अगर देखें कि एक फिक्रा जो है उसमें हम किसी शख्स या जगह या किसी चीज़ को कोई नाम देते हैं, या फिर दूसरे नंबर पे उसका जो सेंटेंस का फंक्शन हो सकता है से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग। उसी सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं पर्सन या थिंग, दोनों हो सकती हैं, कोई चीज़ भी हो सकती है एज अ सब्जेक्ट, या फिर कोई पर्सन भी हो सकता है एज अ सब्जेक्ट। तो उन दोनों के बारे में कुछ हम कहते हैं, यानी कि एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है उसके बारे में कुछ बात कहना, यानी कि एक वो चीज़ जिसको हम नाम देते हैं उसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। वो चीज़ भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकता है। दूसरे नंबर पे उस चीज़ या पर्सन के बारे में हम कोई बात करते हैं, कुछ कहते हैं, जो कहने का अमल है इसको प्रेडिकेट कहते हैं। तो यानी कि एक सेंटेंस के अंदर दो हिस्से हैं। सबसे पहले नंबर पर सब्जेक्ट है, जो किसी चीज़ या जगह का या पर्सन का नाम होता है। दूसरे नंबर पर उसके बारे में हम कुछ कह रहे होते हैं, वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, यानी कि जो बयानिया होता है। इन अदर वर्ड्स, यहाँ से आप देखें, इन अदर वर्ड्स वी मस्ट हैव अ सब्जेक्ट टू स्पीक, यानी कि एक फिक्रे में हमारे पास या जब बात करते हैं तो हमारे पास एक फाइल होना चाहिए, काम करने वाला होना चाहिए जिसके बारे में हम बात करें अबाउट, एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट, और वो शख्स या जगह या चीज़ उसके बारे में हमने कुछ कहना होता है। एक तो वो शख्स होता है या जगह होती है जो जिसको हम नाम देते हैं, या कोई मौजूद होता है, काम करने वाला होता है, फाइल जिसको कहा जाता है उर्दू में, और इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। तो दूसरे नंबर पे उसके बारे में कुछ हमने बात की होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। हैंस एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स। तो हम अगर दोबारा सेंटेंस को सिंपली ये समझें कि एक फिक्रा है, उसके दो हिस्से होंगे, क्या होंगे, द पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, किसी चीज़ जगह का नाम जिसमें हम कहते हैं वो क्या है, वो सब्जेक्ट है। दिस इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, उसको फिक्रे में या सेंटेंस में सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा हिस्सा कौन सा होता है, द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, एक वो हिस्सा होता है जो उस सब्जेक्ट के बारे में, एक सब्जेक्ट के बारे में नाम होता है, चीज़ होती है, जगह होती है, उसके बारे में होता है, कुछ बात की कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा होता है कि उसने क्या किया या क्या नहीं किया। दिस इज़ कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ दीज सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस मेन रोल जो सेंटेंस जो मेन बात उसके अंदर रोल किसका है, फाइल का है, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, जिसमें कोई चीज़ भी हो सकती है, शख्स भी हो सकता है, जगह भी हो सकती है, और उस चीज़ शख्स या जगह के बारे में कुछ बात की गई होती है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। तो सेंटेंस के दो हिस्से, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, नो कन्फ्यूजन, बहुत सिंपल है। अब ये यहाँ से हम थोड़ा सा रीड करते हैं, द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट, ज़्यादातर क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है फिक्रे में शुरू में होता है, बट ओकेजनली इट इज़ पुट आफ्टर द प्रेडिकेट, लेकिन बादकाद ये एक फिक्रे के आखिर में भी हो सकता है। यहाँ पे हम दो एग्जांपल देख लेते हैं। हेयर कम्स द बस, बस क्या है, एक चीज़ है जो काम कर रही है, हेयर कम्स द, उस बस के बारे में बात की जा रही है, तो बस हमारे पास सब्जेक्ट है, हेयर कम्स तो ये है प्रेडिकेट। नीचे वाला फिक्रा देखें, स्वीट्स, स्वीट आर दी यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, के यहाँ पे अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, एडवर्सिटी है, और उसके जो यानी कि स्वीट आर दी यूजेज, इसके फ़ायदे आगे बता रहे हैं, तो ये जो पूरी एक स्टेटमेंट एडवर्सिटी के बारे में हमें बता रही है, ये क्या है, प्रेडिकेट है। पाँचवें नंबर पे देखें, इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज़ लेफ्ट आउट, के जब हम हुक्मिया फिकरात की बात कर रहे होते हैं तो जो हुक्म किसको देते हैं, जो सामने मौजूद हो। अब फर्ज किया मेरे सामने कुछ भी नहीं, मैं किसी को कहूँ ये काम करो तो वो अगला बंदा कहेगा ये पागल तो नहीं, खुद से बातें कर रहा है। अब मैं सिंपल ये है कि कोई भी शख्स है या कोई मुझे सिर्फ देख रहा है, अगले बंदे को नहीं देख रहा, मैं कहूँ कि ये पानी लेके आओ, वो समझ जाएगा कि आगे कोई ना कोई बंदा मौजूद है।
लेकिन जब आगे कोई बंदा मौजूद है तो उसको हम एड्रेस करते हैं, तो यू से एड्रेस करते हैं, यानी कि वो पर्सन मौजूद होता है। तो इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस में अंडरस्टूड होता है कि यू मौजूद है, यानी कि वो बंदा मौजूद है जिसको एड्रेस किया जा रहा है, तो वो यू होता है, तो उसको स्किप किया जाता है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जहाँ पे भी आएंगे यू स्किप्ड होगा लेकिन अंडरस्टूड होगा। तो ये सिट डाउन, अब मैं किसको कहूँगा? अगर कोई मेरे सामने नहीं है तो मैं कैसे कह सकता हूँ सिट डाउन? अगर कोई है तो सिट डाउन, मैं अगर उसको कहूँ यू सिट डाउन तो वो भी एक ही बात है। तो इट्स मीन और इंपेरेटिव सेंटेंसेस का आपको पहले भी बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने से जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनते हैं, तो इसमें यू सिट डाउन कहो या सिट डाउन कहो तो यू ऑटोमेटिकली इसका मतलब है। तो ये कहा गया कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको स्किप किया जाता है। हियर द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड, कि यू अंडरस्टूड है इसको कहने की ज़रूरत नहीं है। थैंक हिम, हियर टू द सब्जेक्ट यू इज़ अंडरस्टूड, थैंक हिम उसकी उसका शुक्रिया या तुम्हारा शुक्रिया, तो इसमें भी अंडरस्टूड है कि यू का इस्तेमाल हुआ होगा। अच्छा, यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है इसमें 27 सेंटेंसेज हैं, लेकिन आपने क्या करना है, मैं पहले 8-10 जो हैं इसके आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, तो बाद के जितने आपने खुद उनको अंडरस्टैंड करना है, प्रैक्टिस करना है। एक्सरसाइज इन ग्रामर वन, तो आपने सबसे पहले ये कोशिश करनी कि जितनी भी हमारी एक्सरसाइज आएँ अपना एक रजिस्टर मेंटेन करें और हर एक्सरसाइज को प्रॉपरली जो है वो उस तरीके से करते जाएँ। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज सेपरेट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, हमने पूरे इन जो सेंटेंसेज होंगे सब्जेक्ट को अलग करना है और उस सब्जेक्ट के बारे में जो बात की गई है उसको, जिसको हम प्रेडिकेट कहते हैं, उसको अलग करना है। द कैकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम, तो इसमें रोम जो है हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। द कैकलिंग गीज क्या है, ये हमारे पास प्रेडिकेट है। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, अब यहाँ पे हमारे पास द बॉय जो है ये सब्जेक्ट है और स्टूड ऑन द बर्निंग डेक ये हमारे पास प्रेडिकेट है। ट्यूबल केन वाज ए मैन ऑफ माइट, तो ट्यूबल केन हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है। वाज ए मैन ऑफ माइट, एक ताकतवर आदमी था, तो ये क्या है हमारे पास, ये प्रेडिकेट है। स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक प्रिजन, तो स्टोन वॉल्स क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है। डू नॉट मेक अ प्रिजन, ये बता रही हैं कि स्टोन वॉल्स जो हैं ये सिर्फ जो पत्थर की बनी हुई दीवारें हैं ये जेल नहीं बनाती, यानी कि स्टोन वॉल्स सब्जेक्ट है और डू नॉट मेक अ प्रिजन ये हमारे पास प्रेडिकेट है। द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस, तो यहाँ पर हमारे पास बर्ड्स जो हैं सब्जेक्ट हैं, बाकी हमारे पास प्रेडिकेट है। मिस किटी वॉज रूड एट द टेबल वन डे, मिस किटी क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है, बाकी हमारे पास उसके बारे में जो बात की जा रही है, उसके बारे में जो बताया जा रहा है वो है प्रेडिकेट। ही हैज़ अ गुड मेमोरी, उसकी याददाश्त अच्छी है, ये हमारे पास ही हैज़ अ गुड मेमोरी, तो यहाँ पे हमारे पास नाउन नहीं है बल्कि प्रोनाउन है, ही का इस्तेमाल किया, ही हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है और हैज़ अ गुड मेमोरी ये हमारे पास प्रेडिकेट है जो हम उसके बारे में बता रहे हैं। बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली, तो बैड हैबिट्स हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट है, बाकी हमारे पास ग्रो कॉन्शियसली यानी कि अनकॉन्शियसली जो बगैर बताए या आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होती हैं, तो ये हमारे पास प्रेडिकेट है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यहाँ पे हमारे पास अर्थ है ये काम कर रही है, तो ये सब्जेक्ट है, रिवॉल्व अराउंड द सन, बाकी इसके बारे में हम बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये हमारे पास प्रेडिकेट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आगे आपने ये प्रैक्टिस करनी है 10 से लेके 27 तक जो फिक्रात होंगे उन पे आपने खुद प्रैक्टिस करनी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।